आज का दिन देश हॉकी के लिए बेहद अहम है। आज हॉकी में 41 साल बाद भारतीय हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हॉकी खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है। हैशटैग श्रीजेश, हैशटैग दिवाल जैसे टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आज इस जश्न के मौके पर एक सवाल भी है। सवाल ये कि जो भारतीय टीम 8 बार गोल्ड जीत चुकी है, वो 41 साल बाद सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल क्यों जीत पाई। सवाल ये कि आखिर क्यों सिर्फ किसी मैच में या मेडल की चाहत में ही हमें हॉकी की याद आती है। क्यों हम साल के 365 दिन हॉकी को याद नहीं करते। आज सुबह ट्विटर पर हैशटैग दिवाल ट्रेंड करने लगा। देश के तमाम लोग भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश को बधाई देने लगे। जर्मनी के खिलाफ गोल बचाने के लिए श्रीजेश की प्रशंसा करने लगे। जर्मनी के खिलाफ मैच जीतकर 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीतने वाली टीम के लिए सोशल मीडिया पर भावनाओं का गुबार उमड़ गया। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हॉकी और हॉकी टीम की तारीफ में रंग गए। लेकिन भावनाओं के इस ज्वार के बीच आज दिन आत्ममंथन का है। दिन ये सोचने का है कि आखिर 8 गोल्ड मेडल के स्वर्णिम इतिहास वाली हॉकी में 41 साल क्यों लग गए अगला मेडल लाने। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हॉकी को अपने मुल्क में राष्ट्रीय खेल जैसा दर्जा हासिल है। सवाल और बड़ा इसलिए है क्योंकि कभी हॉकी के मैदान में भारत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिकती थी। उसी हॉकी में आज एक ब्रॉन्ज मेडल के लिए 41 साल का इंतजार करना पड़ा। सवाल ये कि आखिर हॉकी और कामयाबी के बीच की दीवार कौन है। वो वजह क्या है जिसने हॉकी को दिन ब दिन कमजोर किया और आज हम उस मुकाम पर हैं जहां 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी खुश होते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए, आत्ममंथन करते हुए हमें सबसे पहले खुद के अंदर झांकना होगा। देखना होगा कि जो प्रेम आज हॉकी के लिए दिख रहा है क्या वो हमेशा रहता है। जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब भी ओलंपिक या ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है देश में हॉकी पर बात होती है। लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म हुआ सभी खेल प्रेमियों का पूरा फोकस क्रिकेट जैसे खेलों पर शिफ्ट हो जाता है। जो जलवा क्रिकेट खिलाड़ियों का है, जो रुतबा BCCI का है, जो ग्लैमर क्रिकेट से जुड़े लोगों का है, वो हॉकी में नहीं दिखता। उसका 10% भी नहीं। और तो और आज हॉकी की कामयाबी पर जश्न मनाने वाले भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिस टीम ने देश को मेडल दिलाया उसका कप्तान कौन है। भारतीय टीम का कप्तान कौन है? विराट कोहली। और हॉकी टीम का कप्तान कौन है? हॉकी टीम का कप्तान याद नहीं आ रहा। हॉकी का कौन है? नहीं पता। नहीं मालूम। इंडियन क्रिकेट का कप्तान कौन है? विराट कोहली। और हॉकी का? हॉकी का नहीं पता। टीम इंडिया का जिक्र करते ही खेल प्रेमियों के बीच क्रिकेट के मैदान में ब्लू जर्सी पहने क्रिकेटरों की याद आ जाती है। एक क्रिकेट मैच देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुट जाते हैं, लेकिन हॉकी के किसी भी मैच को लेकर इतना उत्साह नहीं दिखता। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी नेशनल स्टेडियम की कुर्सियाँ खाली ही रह जाती हैं। ये खेल को लेकर हमारा रुख ही है कि वो क्रिकेट जो 1983 के वर्ल्ड कप के साथ देश में पॉपुलर हुआ आज अरबों का कारोबार करता है, लेकिन हॉकी की टीम जो 1928 से देश को ओलंपिक में सोना दिलाती रही उसके लिए स्पॉन्सर तक नहीं था। इसीलिए आज ब्रॉन्ज की खुशी के साथ आत्मचिंतन का भी दिन है। पर कंपेयर हम किसी खेल को दूसरे से ना करें, ये मेरा मानना है। क्रिकेट का खेल अलग है। एक 6-7-8 कंट्री है, 4-5 कंट्री में रोटेशन होता रहता है उनके अंदर, जबकि हॉकी के अंदर 200 से ऊपर की टीमें हैं। लेकिन जो सम्मान है वो राष्ट्रीय मेडल पाने का और राष्ट्रीय ओलंपिक के मेडल्स लेने का, वो इन खिलाड़ियों को ही हासिल होता है। और अब वो हासिल आज के इन खिलाड़ियों को हुआ है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। सोचिए, एक क्रिकेटर आगे बढ़कर ब्रॉन्ज वाली जीत को 3 वर्ल्ड कप की जीत से बड़ा बता रहा है। उस खेल के बारे में सोचने की फुर्सत न खेल प्रेमियों को है न सिस्टम को। अगर फिक्र होती तो एक आम आदमी जैसे हर क्रिकेट में ताली बजाता है, घर में अपने बच्चे को क्रिकेट का बैट थमाता है, वैसे ही हॉकी के हर मैच पर भी ताली बजती। देश में जो कल्चर क्रिकेट के लिए बना वैसे ही हॉकी के लिए बना होता। अफसोस ये नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट को BCCI जैसी संस्था ने जिस प्रोफेशनल अंदाज में चलाया उस प्रोफेशनल अंदाज में हॉकी को नहीं चलाया गया। आम लोगों का जो प्रेम क्रिकेट को मिला वो हॉकी को नहीं मिला। इसीलिए आज आत्मचिंतन का दिन है, क्योंकि आज अगर हमने आत्मचिंतन नहीं किया, सिर्फ एक दिन का जश्न मनाया, तो पता नहीं अगला मेडल लाने में कितना और वक्त लगेगा।
तो हॉकी और कामयाबी के बीच दीवार कौन है, ये जानने से पहले बात क्रिकेट की कर लेते हैं। आज जहां हॉकी खड़ी है, वैसे ही 1983 में क्रिकेट की टीम की स्थिति थी। आज हॉकी की टीम को लेकर जो जज्बा दिख रहा है, वही जज्बा 1983 में क्रिकेट को लेकर दिखा था। तब कपिल देव के नेतृत्व में क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता और सब कुछ बदल गया। इन 38 सालों में क्रिकेट जस कैसे बदल गया, उसकी एक कहानी इन दो तस्वीरों में कैद है। 1983 में क्रिकेटरों को हर मैच खेलने के लिए बतौर फीस करीब 2100 रुपए मिलते थे, लेकिन आज BCCI क्रिकेटरों को एक मैच के लिए 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक बतौर फीस देते हैं। क्रिकेट में अब दौलत, शोहरत और ग्लैमर सब कुछ है जो बड़ी आबादी को अपनी तरफ खींचता है। वैसे आपको ये बात भी याद दिला दें कि 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को पैसे देने के लिए BCCI के पास फंड नहीं था, तब लता मंगेशकर का शो कराकर पैसे जुटाए गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि हॉकी के आत्मचिंतन में हम क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं। आज हॉकी की चर्चा में क्रिकेट की बात इसलिए क्योंकि क्रिकेट के जरिए हम आपको हॉकी की बात आसानी से समझा सकते हैं। इसीलिए हॉकी का हाल जानने से पहले आपके लिए जरूरी है कि क्रिकेट से जुड़े कुछ तथ्य आप जान लें। आपको जानकारी होगी कि BCCI यानी वो संस्था जो देश में क्रिकेट को चलाती है, वो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट उनसे करती है। ग्रेड A+ में शामिल क्रिकेटरों को सालाना 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ में। ग्रेड ए में शामिल क्रिकेटरों को सालाना 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेड बी में शामिल क्रिकेटरों के साथ सालाना 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से ग्रेड सी में शामिल क्रिकेटरों के साथ सालाना 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा हर क्रिकेटर को मैच खेलने के लिए मैच फीस भी मिलती है। आपको बता दें कि एक टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए की मैच फीस मिलती है। एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए की मैच फीस दी जाती है। एक T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए की मैच फीस दी जाती है। शतक जमाने पर खिलाड़ी को 5 लाख बोनस के तौर पर मिलता है। दोहरा शतक जमाने पर 7 लाख रुपए बोनस के तौर पर दिया जाता है। यहां अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि हॉकी के खिलाड़ियों को बतौर मैच फीस हॉकी इंडिया अपने खिलाड़ियों को क्या दे पाता है या नहीं दे पाता। तो कोई उनके साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी किसी न किसी सरकारी संस्था से जुड़े होते हैं, इसलिए इन खिलाड़ियों को नौकरी के बदले सैलरी मिलती है। यही हॉकी और क्रिकेट के बीच का फर्क है। एक क्रिकेटर जहां करोड़ों रुपए बतौर कॉन्ट्रैक्ट और फीस से कमाता है, वहां ज्यादातर हॉकी के प्लेयर अपनी सैलरी से घर चलाते हैं। अब क्रिकेट के जरिए हॉकी की दूसरी कहानी भी समझिए। समझिए कि कैसे क्रिकेट 1983 से आज आसमान पर पहुंच गया और कैसे हॉकी अर्श से फर्श तक पहुंच गई। इसके पीछे बड़ी वजह है मैनेजमेंट। पहले क्रिकेट की कहानी समझिए। देश में क्रिकेट को चलाने वाली जो संस्था है BCCI, उसको अगर हम देखें तो कितना पैसा है। BCCI की कुल संपत्ति करीब 14,680 करोड़ रुपए की है। 2018-19 में 14,489 करोड़ का उसने कारोबार किया। 2018 में BCCI को 4,017 करोड़ की आय हुई। 2018 में BCCI ने सिर्फ IPL से 2,407 करोड़ की कमाई की। IPL जैसे टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार से ही BCCI को सैकड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार सैकड़ों करोड़ों में बिकते हैं, यानी क्रिकेट का हर मैच करोड़ों का व्यापार होता है। अब जो हम आपको बताते हैं वो हॉकी का हाल भी बता देते हैं। हॉकी का हाल 31 मार्च 2020 को अगर हम देखें तो हॉकी इंडिया के पास करीब 49 करोड़ रुपए था। उस तरफ देखिए आप 14,860 करोड़ रुपए के लगभग आसपास, और यहाँ सिर्फ 49 करोड़ है। हॉकी मैच के टेलीकास्ट राइट्स महंगे नहीं बिकते हैं। हॉकी मैच के दौरान भी स्टेडियम की कुर्सियाँ अमूमन खाली रहती हैं। ऐसे में सवाल ये कि जो लोग आज श्रीजेश की प्रशंसा कर रहे हैं, वो हमेशा हॉकी को लेकर संजीदा क्यों नहीं रहते हैं। देश में क्रिकेट की कामयाबी के पीछे बेहतर मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। 1983 से देश में क्रिकेट का उत्थान शुरू हुआ और आज क्रिकेट देश के हर गली कूचे में खेला जाने वाला खेल है। वहीं 1928 से ही हॉकी गोल्डन गेम हुआ करता था। फिर हॉकी का ये खेल क्यों पीछे हुआ, इसके पीछे मैनेजमेंट का खेल भी समझिए। 1975 में हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी कुमार राजनीतिक दखलंदाजी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। 1976 में एस्ट्रोटर्फ के आने के बाद भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेने में परेशानियां शुरू हुई। कार्बन फाइबर वाली हॉकी स्टिक भारतीय खिलाड़ियों को 1990 में मिली, लेकिन उन्हें यह स्टिक 2000 के बाद मिलनी शुरू हुई। 1998 में बैंकॉक एशियाई गेम्स में धनराज पिल्लई के नेतृत्व में भारत ने 32 वर्ष बाद गोल्ड जीता, लेकिन धनराज को टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे थे।
इंडियन हॉकी फेडरेशन की गुटबाजी के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2008 में बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2008 में ही इंडियन हॉकी फेडरेशन से जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था और इस वीडियो में इंडियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष के जेतुकुमारन रंगे हाथों घूस लेते हुए भी पकड़े गए थे। इसके बाद हॉकी संगठन पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई। इसी बीच लगातार टीम के कोच बदलते गए, इससे टीम की तैयारियों पर असर पड़ा। तमाम विवाद के बाद 2010 में हॉकी इंडिया का गठन हुआ। इस बीच टीम की ट्रेनिंग के लिए विदेश कोच भी रखा गया। 2012 में भारत ने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लंदन ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और अंतिम यानी 12वें पायदान पर रही। 2016 में भारत ओलंपिक क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, लेकिन 2018 में टीम के स्पॉन्सर्स ने साथ छोड़ दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।